हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय योर चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। आज बनाने वाली हूँ मैं केले की सब्जी। तो केले को मैंने अच्छे से धो के काट लिया है। और यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिएगा, हमें केले को बिल्कुल भी गीला नहीं रखना है क्योंकि हम फ्राई करके बनाने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने दो बड़े टमाटर लिए हैं और प्याज लिए हैं मैंने तीन। प्याज और लहसुन को मैंने मामजिस्ते में कूट लिया है। और तीन से चार हरी मिर्च है कटी हुई। और दो चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर बेसन। बेसन डालने से सब्जी का और भी ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ पे रखे हैं कुछ सूखे मसाले, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्च और एक चम्मच धनिया, आधी छोटी चम्मच लिया मैंने गरम मसाला। तो तेल को मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा अच्छे से हो गया है गरम। पहले मैं फ्राई करूँगी केले को, फिर उसके बाद में बनाऊँगी सब्जी। और फ्राई करके केले बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। केले का तो स्वाद ही बढ़ जाता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं और चाहे तो फ्राई करके भी बना सकते हैं। दोनों ही तरह के केले अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन फ्राई किए हुए में थोड़ा ज़्यादा स्वाद आता है। तो बस अभी मैंने केले डाल दिए हैं यहाँ पे और बस मैं इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही चला लूँगी। हमें बिल्कुल लाल नहीं करने हैं केले को, बस थोड़ा हमें हल्का फ्राई करना है। तो देखिए अभी हो गए हैं फ्राई, तो मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। तो सभी केले को मैंने कर लिया है फ्राई, हाफ फ्राई किया है मैंने, पूरा फ्राई नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है हींग। तो हींग हमारा चटक गया है, तो अभी डालूँगी मैं यहाँ पे जीरा। जीरा भी हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है, तो अभी डाल दूँ मैं यहाँ पे प्याज। तो प्याज भी मैंने डाल दी है, तो चला लूँगी मैं चमचे को। हमें प्याज गोल्डन ब्राउन करनी है, फिर उसके बाद में डालूँगी मैं बेसन। तो प्याज भी हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, अभी डाल दूँ मैं यहाँ पे बेसन। तो बेसन को भी मैं प्याज के साथ में ही थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। गैस की फ्लेम को मैंने कर रखा है लो मीडियम पे, ताकि हमारे प्याज और बेसन जले नहीं। तो ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, तो अभी डाल दूँगी मैं यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्च। तो थोड़ी देर के लिए मैं इन सबको भी तेल में ही ऐसे ही भून लूँगी। फिर थोड़ी देर, एक या दो मिनट के बाद मैं डालूँगी मैं यहाँ पर सूखे मसाले। तो देखिए दो मिनट हो गई है मुझे, और अभी डाल दूँगी मैं यहाँ पे सूखे मसाले और थोड़ा सा ही डालूँगी मैं यहाँ पे पानी। और पानी मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारे सभी मसाले अच्छे से पक जाए। बस पानी डाल के हम इनको अच्छे से मिक्स करके अभी पाँच मिनट के लिए छोड़ देंगे। और देखिए हमारा मसाला कितनी अच्छी तरीके से पक गया है। जब साइड में से ऐसे तेल निकलने लगे तो समझ लो हमारा मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है। तो अभी मैं डाल दूँगी यहाँ पे अपने केले। तो केले डाल के मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो देखिए सभी केले मसालों के साथ में अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। और अभी मैं यहाँ पे पानी नहीं डालूँगी क्योंकि हाफ तो पहले ही गल चुके हैं केले, और ये भाप भाप में ही हो जाएंगे बाकी। तो अभी मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए, और गैस को मैंने बिल्कुल कम किया हुआ है। तो फाइनली हमारे केले बनकर हो गए हैं तैयार, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक कमेंट करना मत भूलना। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।